एक बार जया बच्चन फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस बार भी वही नकचढ़ी आदतें और वही मीडिया के ऊपर गुस्सा करना जिसके चलते सोशल मीडिया पर फिर से ट्रोल हो रही है। खबर यह है कि जया बच्चन श्वेता नंदा की पार्टी से यानी बर्थडे पार्टी से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही थी, इसी दौरान हमेशा की तरह पैपराजी जो थे वो जया बच्चन की तस्वीर लेते हुए नजर आए और यही बात जया बच्चन को बुरी लगी। जया बच्चन अपनी कार के अंदर बैठी हुई थी और कार के अंदर से अब उनकी आवाज बाहर तो जा नहीं सकती थी, तो इशारे इशारे में कह दिया कि ये क्या कर क्या रहे हो, क्या भाई क्या जरूरत क्या है फोटो निकालने की मेरी। लेकिन हमारे सोशल मीडिया के शेर कहां चुप रहने वाले हैं, वो तो ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जया बच्चन के लिए सोशल मीडिया पर कि जिसे पढ़कर यहां पर सुनाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फैमिली प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ बातें जरूर सुना सकते हैं। तो देखिए, किसी ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने इस नटगुल्ली को घास नहीं डाली होती तो इस बौनी औरत को पूछता कौन। किसी ने कहा कि इसका जनरेटर तो हमेशा ही चार्ज रहता है, किसी दिन देख लेना गर्मी से ये फट जाएगी। किसी ने कहा कि यारो फोटो ना खींचो वरना आंटी पुलिस बुला लेगी। किसी ने कहा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जया आंटी बोल रही है कि चल बे बीप 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 बीप, समझ गए ना। किसी ने कहा कि गांव देहात में कुछ बूढ़े ऐसे भी होते हैं जो बुढ़ापे में जब बच्चे उन्हें जितना छेड़ते हैं वो उतना ही चिढ़ते हैं, तो बच्चे उन्हें उतना ही परेशान करते हैं। ठीक यही हाल जया दादी का है। मीडिया वालों को, पेपराइजिस को पता है कि ये फोटो लेने से चिढ़ती है, तो इसकी तस्वीरें और लो जब तक ये चिढ़ ना जाए और हमें हमारा दिन का कंटेंट ना मिल जाए। किसी ने लिखा कि अमिताभ बच्चन भी ये सोच रहा होगा कि ये निपट जाए तो मैं अपनी दूसरी शादी रेखा से कर लूं। अब ये भाई लोगों की राय है, ये मेरी राय नहीं है। तो देखिये, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें लिख रहे हैं और जया बच्चन इसी तरह से जिंदगी भर ट्रोल होते रहेगी।